वेलकम बैक गाइज। तो गाइज अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट द के एन एन मॉडल एंड हाउ टू टेस्ट इट। ओके, तो मैं यहाँ पे उसके लिए लिखता हूँ के एन एन। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा उसे इम्पोर्ट। सो मैं लिखूंगा फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स, sklearn डॉट नेबर्स। आप इम्पोर्ट करो के नेबर्स क्लासीफायर को, के नेबर्स क्लासीफायर को आप इंपोर्ट करो। ओके, तो हम यहाँ पे अब उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद हम बनाएंगे हमारा पहला मॉडल। ओके, तो मैं उस मॉडल को नाम दे रहा हूँ अब के एन एन। सो हम लिखेंगे के एन एन वन इज इक्वल टू के नेबर्स क्लासीफायर। ओके, और उसमें हम लिखेंगे n अंडरस्कोर नेबर्स, मतलब जो नंबर ऑफ नेबर्स है, कितने नंबर ऑफ नेबर्स कंसिडर करने हैं वो। तो हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं एक से। ओके, जो हमारा टारगेट वाला वेरिएबल होगा या टारगेट वाला वैल्यू होगी रीडिंग, उसका सिर्फ पहला ही नेबर उसे कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखूंगा एन नंबर नेबर्स, मतलब नंबर ऑफ नेबर्स इज इक्वल टू वन। तो इसके लिए हमने उसे का नाम भी दिया था के एन एन वन। तो अभी हमारा मॉडल बन गया है के एन एन वन का। तो हम सबसे पहले उसे हम फिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के एन एन वन डॉट फिट। कहाँ पे फिट करते हैं हम? हम करते हैं ट्रेन सेट पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन और रन। तो उसने दे दिया कि ये आपका मॉडल बन चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर फ्रेड वन। अभी देखो ये वन का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे वन का मीनिंग होगा हमारे कितने नेबर्स है। ओके, तो मैं प्रेड वन कर दूंगा यहाँ पे कि के एन एन वन डॉट प्रेडिक्ट। आपको प्रेडिक्ट करना है कहाँ से प्रेडिक्ट कर देते हैं हम करते हैं एक्स टेस्ट पे और रन। अब हमारा प्रेडिक्शन हो गया है, तो हम क्या करेंगे अब उसके बाद हमें मॉडल का इवेल्युएशन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस सी सी वन, मतलब एक्यूरेसी स्कोर वन इज इक्वल टू accuracy score of y test और pred 1 और आप उसे प्रिंट कर दो। प्रिंट करना है हमें acc 1 को। तो देखो गाइज हमारा accuracy score केवल 67.4 के हिसाब से ही आया, 0.67 ही आप हमारा एक्यूरेसी स्कोर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वन ही वैल्यू ली है। ओके, और यहाँ पे हम एक और करते हैं, इसे रिपोर्ट करेंगे हम, रिपोर्ट वन जो हमारा होता है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फिर करेंगे हम किसका करेंगे, वाई टेस्ट और प्रेड वन का। और उसके बाद हमें करना है प्रिंट टू रिपोर्ट वन को प्रिंट। तो हमने प्रिंट किया, तो देखो हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे आ गई है सिर्फ 67%। ओके, तो ये तो था कि हमने यहाँ पे के नेबर्स लिया है वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस के नेबर्स की वैल्यू को बड़ा। बड़ा मतलब क्या करेंगे हम, वन की जगह थोड़ा बड़ा नंबर यूज करेंगे और से वी विल यूज 5। ओके, तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नया मॉडल बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा से के एन एन इक्वल टू 5। इस तरह से हम लेंगे। ओके, तो हमारा नया मॉडल होगा के एन एन 5 इज इक्वल टू, ताकि हम ये 1 5 क्यों ले रहे हैं कि हमें पता चले कि यहाँ से कि कितने हमारे नंबर ऑफ नेबर्स है। ओके, सो के एन एन 5 इज इक्वल टू, हमें फिर से मॉडल बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, के नेबर्स। के नेबर्स में के और एन क्लास और सी, ये तीन लेटर कैपिटल्स है। ओके, के नेबर्स इन क्लासिफायर। ओके, और उसमें हम लेंगे एन नेबर्स, एन नेबर्स इज इक्वल टू 5। अब हम लेंगे नंबर ऑफ नेबर्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने नया मॉडल बनाया अब के एन एन 5, उसे हमें फिट भी करना है। तो हम लिखेंगे के एन एन 5 डॉट फिट। कहाँ पे फिट करना है हमें, एक्स ट्रेन और एक्स वाई ट्रेन पे। ओके,
तो यहाँ पे हमने फिट कर दिया। ओके, तो हमारा के नेबर्स क्लासिफायर यहाँ पे बन गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे करेंगे हम प्रेडिक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेड 5 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे knn5 डॉट प्रेडिक्ट, और वो करना है हमें एक्स टेस्ट पे। तो हम रन करेंगे और अब हम देखेंगे उसका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हम कैसे देखते हैं, इवेल्युएशन हम देखते हैं सबसे पहले एक्यूरेसी स्कोर के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा acc5 इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर ऑफ y टेस्ट और प्रेड 5, और आप उसे प्रिंट कर दो, आप acc5 को प्रिंट कर दो। तो अब देखो गाइज, अब हमारी एक्यूरेसी आ गई है 74.9। ओके, और उसी के बाद उसके साथ साथ भी हम चलेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिपोर्ट 5 इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ y टेस्ट और प्रेड 5। ओके, और उसके साथ साथ हम करेंगे प्रिंट। प्रिंट करो आप रिपोर्ट 5 को। तो देखो गाइज, हमारी एक्यूरेसी अब आ गई है 75%। ओके, जो पहले थी 67% वो हो गए है अब 75%। लेकिन एक और क्वेश्चन इसके बाद आ जाता है कि ये जो हमारा नंबर ऑफ नेबर्स की वैल्यू है, राइट, मतलब ये जो KNN वाला, K नियरेस्ट नेबर वाला का जो K है, उस K की वैल्यू को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि एकदम सही, हाँ, कि आपको यही वैल्यू लेनी है तो आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम आएगी। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है? तो अगले वीडियो में गाइज हम देखेंगे कि किस तरह आपको, आप इस K की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।